अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है उपयोजित इतिहास, उसका पार्ट टू है। पार्ट वन हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप इतिहास और भूगोल का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। आ जाइए पेज नंबर 17 पे। हेडिंग है सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रबंधन। आज के इस वीडियो में हम इसको समझेंगे और इस वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया था तो हिंदी मीडियम के बहुत ही कम बच्चे थे और आज काफ़ी ज़्यादा बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। ऐसे ही आप लोगों का साथ चाहिए। और फिर आप लोग जो कमेंट करके बताते हो कि सर मुझे वीडियो अच्छा लगा, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, तो ये भी सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। तो बच्चों वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, एक प्रोत्साहन मिलता है कि आप लोगों के लिए मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए चलो लेक्चर को शुरू करते हैं और समझते हैं। पहले है सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत में दो चीज़ें होती हैं, एक है मूर्त सांस्कृतिक विरासत और दूसरा है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। सबसे पहले मूर्त और अमूर्त क्या होता है इसको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम मूर्त और अमूर्त को नहीं समझेंगे तब तक सांस्कृतिक विरासत क्या होती है वो हमें समझ में आएगा ही नहीं। मूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें जिस चीज़ों का भौतिक अस्तित्व होता है उसे मूर्त कहा जाता है। जिस चीज़ को हम देख सकते हैं या जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, जिसका भौतिक अस्तित्व होता है उसे मूर्त कहा जाता है। उदाहरण के लिए समझो, मंदिर है, एक कोई प्राचीन मंदिर है, पुरानी मंदिर है, तो उस मंदिर को आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो, है ना, उसको टच कर सकते हो, उसको छू सकते हो, तो ये हो गई मूर्त विरासत। अमूर्त चीज़ें क्या होती है, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं, समझ में आ गया, उसे अमूर्त कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे कि हवा क्या है, हवा का अस्तित्व समझ में आता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसको हम अमूर्त कहेंगे। समझ में आ गया, मूर्त क्या होता है, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं वो अमूर्त होती है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, भौतिक अस्तित्व होता है। समझ में आ गया, अमूर्त मतलब जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझेगा। विरासत मतलब क्या होता है, विरासत का भी मतलब समझ लीजिए। मान लेते हैं कि जो प्राचीन चीज़ें होती उसे विरासत कहा जाता है। मान लेते हैं कि आपके दादाजी के पास बहुत सोना था, उन्होंने रखा था और उन्होंने आपके पिताजी को दे दिया, तो आपके पिताजी को जो सोना मिला आपके पिताजी ने आपको दे दिया, तो वो क्या हो गया, आपको विरासत में क्या मिला, सोना मिला, बहुत सारा सोना। कहाँ से मिला, प्राचीन से मिला, क्योंकि आपके दादाजी ने रखा था, आपके पिताजी को दिया, आपके पिताजी ने आपको दे दिया, ये होती है विरासत। तो वैसे अगर हम भारत में देखें तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें हमें मिलती हैं जिसे हम लोग उसे विरासत कहते हैं और बहुत ही जरूरी होता है। चलो समझते हैं, मैं पढ़ के समझाऊंगा तो समझेगा। पहले देखते हैं मूर्त सांस्कृतिक विरासत। इस वर्ग में प्राचीन स्थान, यहाँ पे देखो मूर्त सांस्कृतिक विरासत में आता है स्थान, प्राचीन स्थान, पुरानी जगह। भगवान राम का जन्म कहाँ पे हुआ था बताइए, अयोध्या में। अयोध्या जगह फेमस है ना, शिरडी जाते हो घूमने, आगरा जाते हो ताजमहल देखने, ये सब स्थान है, जगह है जो कि क्या है, प्राचीन, जो पुराने स्थान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त सांस्कृतिक विरासत, समझा। इसके अंदर आता है वास्तु। वास्तु मतलब मालूम है, कला, डिजाइन, बनावट। अगर आप प्राचीन मंदिरों में जाके देखोगे तो उसकी बनावट जो होती है बहुत ही अलग होती है, उसे हम लोग वास्तु कहते हैं, वास्तुकला। समझ में आ गया, वस्तुएं, बहुत सारी पुरानी वस्तुएं हमें देखने को मिलती है, जैसे गांधी जी का चश्मा उदाहरण है, रखा गया है, आप जाके उसको देख सकते हो, ये सब वस्तुएं हैं। हस्तलिखित, हाथों से लिखी, जिसे हम लोग पांडुलिपि कहते हैं, हस्तलिखित शिल्प मिलता है, हाथों से लिखी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। समझ में आ गया, बहुत सारे हमें ताम्रपट वगैरह मिलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं हस्तलिखी, ये सब क्या है, मूर्त सांस्कृतिक विरासत है। चित्र आदि का समावेश होता है, हमें प्राचीन के बहुत सारे चित्र देखने को मिलते हैं। जब उस समय कैमरा नहीं था तो लोगों का फोटो कैसा खींचा नहीं जाता था, बनाया जाता था। तो ये हो गया मूर्त सांस्कृतिक विरासत, जो हमें विरासत में मिली है, प्राचीन समय का जो वस्तुएं हैं जो हमें मिली है उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। अब हम देखेंगे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होता है। इस वर्ग में
निम्न मुद्दों का समावेश होता है। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, तो देखते हैं कौन कौन सा है मूर्त संस्कृत। पहला है मौखिक परंपराएं और उनके लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा। मौखिक परंपराएं क्या होती हैं? बहुत सारी औरतें जब किसी के शादी में जाती हैं तो वहाँ पे गाना होना गाती हैं, ये परंपरा है, मौखिक परंपरा है। उसको कोई बताता नहीं है, लिखा नहीं गया, इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन एक परंपरा है जिसे अमूर्त कहा जाता है ना। आप देखे रहोगे जैसे शादी का प्रोग्राम चलता है, वहाँ पे बहुत तामझाम होता है। एक शादी होता है तो देखोगे दुनिया भर की रीति रिवाज रस्में जिसे बोलते हैं होती है ना, तो क्या है, विरासत ही है, पुराने समय से चली आ रही है। पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान क्या होता है? कुछ ज्ञान हमें प्राचीन से ही मिली है, बहुत पहले से ही मिली है, जैसे कि बोलना, भाषा। आजकल जो हम बोल रहे हैं आज तो सिखाया जा रहा है भाषा, किसी को अंग्रेजी सिखाया जा रहा है, किसी को फारसी सिखाया जा रहा है, लेकिन एक समय था ये ज्ञान जब लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था तभी से लोगों को मिला हुआ है, बोलने की कला, पारंपरिक ज्ञान। तो बहुत सारे ऐसे ज्ञान होते हैं, जैसे कि आप देख लो एक सुनार है, सुनार का जो लड़का होता है वो भी सुनार बन जाता है, उसको पारंपरिक ज्ञान मिल जाता है ना, ऐसे ही होता है। आगे समझो, तीज त्यौहार जिसे हम कहते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, तीज त्यौहार तो मनाए जाते हैं, पर्व मनाने के सामाजिक और धार्मिक विधियां। अलग अलग भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पर्व मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, त्यौहार मनाए जाते हैं, सब क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। कला प्रस्तुतिकरण की पद्धतियां, कला प्रस्तुत करना, भारत नाट्यम डांस है ना, अलग तरीके से डांस किया जाता है। आजकल का आधुनिक डांस है, देखते हो ना बच्चे इतना कूदते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि डांस कर रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिक लग गई है, शॉक लग गया है ना, डांस है आज का आधुनिक डांस है, ठीक है, जैसे लोगों को पसंद है लोग देखते हैं। आज के बच्चों को पुरानी डांस दिखाओ बोलेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं, कथकली डांस दिखाओ उनको। तो ये सब क्या होती है, ये सब कला प्रस्तुतिकरण की पद्धतियां होती हैं। उस समय में लोगों को जैसा ज्ञान था दिखाया, आज के लोगों को जैसा ज्ञान है दिखा रहे हैं। विशिष्ट पारंपरिक कौशल, कौशल का मतलब होता है हुनर, कुछ लोगों के पास पारंपरिक हुनर होता है। पारंपरिक हुनर क्या होता है, मैंने क्या कहा, एक सोनार का लड़का सोनार बन जाता है, लोहार का लड़का लोहार बन जाता है, समझ में आ गया। एक लोहार का अगर लड़का देखोगे तो उसको टेबल कुर्सी फर्नीचर सब बनाना आता है, क्यों, क्योंकि वो पारंपरिक ज्ञान पाया है। इसे क्या कहते हैं, हम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। आगे समझो, इन परंपराओं प्रथाओं कौशलों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह वर्ग, इन कलाओं को करने वाले, देखो पिक्चर ठीक है बनाई जाती है, पिक्चर में हीरो होता है, लेकिन अगर डायरेक्टर नहीं रहेगा तो हीरो किसी काम का नहीं है, हीरो अपने आप पिक्चर थोड़ी बनाएगा। तो ऐसे इन सबको, या कोई भी मान लो कहीं पे स्टेज पे रामलीला कराना है तो रामलीला कराने वाला होना चाहिए ना, तो ये सब लोगों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे शब्द उपयोग किया गया है, समूह वर्ग होने चाहिए। ब देखते हैं, लिखा है प्राकृतिक विरासत, भारत को कुछ सांस्कृतिक विरासत मिली है। सांस्कृतिक विरासत में हमने देखा कुछ मूर्त है तो कुछ अमूर्त है, लिस्ट दिया गया आप बाद में पढ़ लेना। अब प्राकृतिक विरासत में जो प्रकृति से मिली है, जो प्रकृति के द्वारा, जो पृथ्वी पे भगवान के द्वारा दी गई हुई है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग प्राकृतिक विरासत कहेंगे। देखिए देखते हैं क्या क्या ऐसा भगवान के द्वारा हमें उपहार में दिया गया है। प्राणी, विभिन्न प्रकार के प्राणी हमें पृथ्वी पे विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप बाहर निकलोगे तो कितने प्राणी, तो ये क्या है, विरासत है। कीड़े मकोड़े, लाखों प्रकार के कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं, जीव देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं क्या है, ये प्राकृतिक विरासत है, किसी ने बनाया नहीं है, सब अपने आप उत्पन्न हुए हैं। वनस्पति जगत, विभिन्न प्रकार के आप पेड़ पौधे देखते हो, ये क्या है, प्राकृतिक विरासत है। उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक परिसंस्थाएं और भू रचनात्मक विशेषताएं, देखो प्राणी और वनस्पति को जीवित रहने के लिए एक अच्छी परिसंस्था की आवश्यकता होती है। अच्छी परिसंस्था क्या होती है, मनुष्य को जीने के लिए एक अच्छा तापमान की जगह, अगर तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अगर तापमान बहुत कम हो जाएगा तो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इंसान को जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों की जरूरत होती है, अगर पेड़ पौधे रहेंगे तभी ऑक्सीजन मिलेगा, और पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए इंसानों की जरूरत होती है, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं पृथ्वी पर जितने भी चीजें हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं परिसंस्थाएं, समझ में आ गए। भू रचनात्मक, भू रचनात्मक विशेषता यानी जमीन की बनावट,
अभी मैं आपको कहूँ हिमालय में घर बना के रहोगे? नहीं ना, वहां पे तो ठंडी लगेगी। मैं कहूँ थार के रेगिस्तान में चले जाओ घर बना के रहो, अरे इतना गर्मी नहीं रह पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें भू रचना भी जरूरी होती, पहाड़ियों पे नहीं रह सकते, हमें एक समतल जमीन की आवश्यकता होती रहने के लिए। समझ में आ गया? आगे समझो, आने वाली पीढ़ियों के हितों का संरक्षण करने के लिए हमारी विरासत का संरक्षण होना आवश्यक है। जितने भी विरासत हमें मिले हैं उसका संरक्षण करना यानी उसे बचा के रखना जरूरी होता है, तभी भविष्य में आने वाले लोगों को हम उसके बारे में बता पाएंगे। आपके दादाजी को उनके पिताजी ने 10 किलो सोना दिया था, फिर आपके दादाजी ने आपके पापा को 10 किलो सोना दे दिया, फिर आपके पापा ने आपको भी 10 किलो सोना दे दिया। वो लोगों ने क्या कि उसको बचा के रखा, सुरक्षित रखा, लेकिन आप पाते ही क्या हो गए, लगे खर्चा करने, घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, स्कूटी ले लिया, बाइक ले लिया, घूमने लगे, होटल में घूमने लगे, दुनिया भर का फैशन करने लगे, 10 किलो सोना खत्म। आपने क्या किया, जो तुम्हारी सांस्कृतिक विरासत थी उसको खत्म कर दिया, है ना। तो अगर जो इस समय हमारे पास जो भी सांस्कृतिक विरासत या प्राकृतिक विरासत है इसको बचा के नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, खत्म ही हो रहा है। बच्चों अब देखो, एक समय था जो मनुष्य यानी कि पुरुष की बात कर रहा हूँ, धोती और कुर्ता पहनते थे, आज क्या पहनते हैं, जीन्स और शर्ट, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक है। महिलाओं की बात करें, स्त्रियों की साड़ी पहनती थी, आज भी साड़ी पहनती हैं, कहीं ना कहीं उनके फैशन में बदलाव आया है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही, गायब होती जा रही है। वो भारत का जो अस्तित्व है कहीं ना कहीं गायब होता रह जा रहा है, जब से लोग पश्चिमी परंपरा की सभ्यता को पालन करने लगे हैं, उनका वेशभूषा पहनने लगे हैं, अंग्रेजी बोलने लगे हैं, दारू पीने लगे हैं, उनके जैसे कपड़े पहनने लगे हैं, उनके जैसा बात करने लगे हैं, तो ये चीज़ें गलत है, ये हमें बचा के रखनी है, तभी आने वाले समय में जो पीढ़ियां रहेंगी उनको मालूम पड़ेगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे, ठीक है। आगे समझो, विलुप्त होने की कागर पर पहुंची सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन होने की दृष्टि से विश्व संगठन यूनेस्को ने कुछ दिशा निर्देशक सिद्धांत घोषित किए हैं। तो देखो, विलुप्त होते कागार पर संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, उसके साथ साथ प्राकृतिक विरासत भी गायब होती जा रही है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, गाँव में रहता था, तो वहाँ पे एक कीड़ा होता था, उसको देख के बड़ा खुशी मिलती थी, जुगनू, जब वो उड़ती थी तो ऐसा ऐसा लाइट जलता था, इतने सारे जुगनू दिखाई देते थे कि वो देख के खुशी होती थी, गांव में जाता था। आजकल के बच्चे क्या देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, चार दीवारों के अंदर पैक हैं, बाहर निकलते हैं तो बिल्डिंग, घर में रहते हैं तो भी बिल्डिंग में, आसमान में तारे होते हैं उनको तो मालूम ही नहीं, हजारों दिन हो जाते हैं तो चंद्रमा को देख ही नहीं पाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और उनका संरक्षण करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए विश्व संगठन यूनेस्को ने इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ नियम घोषित किए हैं ताकि इन लोगों को बचाया जा सके। पृथ्वी के अंदर जितने भी डीजल पेट्रोल हैं हम उसको निकाल के ख़त्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि डीजल पेट्रोल नाम का कोई चीज़ हुआ करता था, ठीक है। आगे पढ़ो, उन दिशा निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर विश्व विरासत पद हेतु मात्र सिद्ध होने वाले स्थानों परंपराओं की सूची घोषित की जाती है। तो यहाँ पे यूनेस्को ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे विश्व विरासत की सूची बनाई, लिस्ट बनाया, तो आगे वाले पेज पे यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट दिया गया है, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप इसको आराम से पढ़ लेना। मैं हेडिंग बता देता हूँ, यहाँ पे भारत की विश्व मौखिक और अमूर्त विश्व विरासत की सूची दिया गया है, आप देख लेना, फिर उसके नीचे भारत के विश्व विरासत के स्थान और सांस्कृतिक दिया गया है, ये सब देख लेना। भारत के विश्व विरासत के स्थान, प्राकृतिक, सारी चीज़ें यहाँ पे यूनेस्को ने इसको क्या किया, विश्व विरासत घोषित किया है, इसको देख लेना। अगर इसको मैं पढ़ाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा समझाऊँ, ठीक है। आगे समझो, यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत सूची में पश्चिम घाट का समावेश 2012 ईस्वी में किया गया। तो यूनेस्को ने क्या किया, विश्व की प्राकृतिक विरासत की सूची में जो भारत का पश्चिमी घाट है,
भारत का पश्चिमी घाट क्या कहते हैं, जो अपना बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के तरफ जो जमीन होता है वहां पे आपको पूर्वी घाट देखने को मिलेगा, और अरब सागर के तरफ, अरब सागर के तरफ जो घाट है, जो जमीन दिखाई देता है, उसे हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं। तो जो पश्चिमी जो घाट है उसे 2012 में प्राकृतिक विरासत की सूची में समावेश किया यूनेस्को ने, याद रखना। आगे देखते हैं, सतारा जिले में कास पठार पश्चिम घाट श्रेणियों में बसा हुआ है। तो अगर सतारा जिला में जाओगे तो वहाँ पे एक कास पठार है जो कि पश्चिम घाट श्रेणियों में बसा हुआ है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रबंधन करना, प्रबंधन यानी कि उसका सही तरीके से मैनेजमेंट करना, सुरक्षित करके रखना या बचा के रखना, यह उपयोजित इतिहास का एक प्रमुख अंग है। उपयोजित इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो हमारे विरासत है उसको हम बचा के रख सकें। इस विरासत का संरक्षण और संवर्धन करने का अधिकांश कार्य भारत सरकार का पुरातत्व विभाग और भारत के प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा विभाग करता है। तो इनका जो भी हमारे पास प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत है, इनको बचाने के लिए या इनकी सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार, पुरातत्व विभाग और राज्य सरकार करती है। समझ में आ गया? इंटेक लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, या जो है एक स्वयंसेवी संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है जो क्या करती है, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं उनको बचा के सुरक्षित रखने का काम करती है। इस क्षेत्र में यह संस्था कब से, 1984 से कार्य कर रही है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थानों का संरक्षण और संवर्धन की परियोजनाओं में अनेक विषयों के तज्ञ व्यक्तियों का समावेश रहता है। जो भी स्थान हैं या जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको बचाने के लिए इसमें जो तज्ञ व्यक्ति हैं यानी ज्ञानी व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ही है, मूर्ख व्यक्ति क्या बताएगा हमें। मूर्ख व्यक्ति तो विजय है दारू पीने में, शराब पीने में। ये दारू और शराब पी के इंसान अच्छा बन सकता है क्या? ये गलत है बच्चों, आप लोगों के अंदर ये हैबिट नहीं आनी चाहिए, याद रखना। गलत चीजें आपको कभी छूनी ही नहीं चाहिए। एक टीचर का काम होता है कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। आगे देखते हैं, इन सभी में संबंधित स्थानों के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास का बोध निर्माण करने का काम उपयोजित इतिहास द्वारा किया जाता है। उपयोजित इतिहास में हमें सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान को बताने का प्रयास किया जाता है, ताकि लोग उपयोजित इतिहास पढ़ें और लोगों को समझ में आए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी प्राकृतिक विरासत क्या है, ताकि वो उसे सुरक्षित करके रख सके। समझ में आ गया? यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, देखते हैं। पहला पॉइंट है, परियोजना के अंतर्गत विरासत स्थानों के मूल स्वरूप को न बदलते हुए संरक्षण और संवर्धन का कार्य करना संभव होता है। अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा विरासत है, जो हमें विरासत में मिली है, कोई भी स्थान है, कोई भी जगह है, ताजमहल ले लो, ताजमहल जैसे पहले था आज भी वैसे दिखाई देता है। अगर हम उसको कलर रोलर करके उसके ढांचा को बदल देंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा। तो उपयोजित इतिहास हमें सिखाता है कि जो चीज़ें जैसी है उसे वैसे ही सुरक्षित बचा के रखना है, तभी तो हम उसको देख के समझ पाएंगे कुछ चीज़ें कैसी दिखती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्थानीय समाज का ताना बाना और मानसिकता, उनके सम्मुक्त वर्तमानकालीन विविध चुनौती, स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं की समीक्षा की जा सकती है। तो उपयोजित इतिहास से हम जाके समझ सकते हैं जो उस स्थान पर रहते हैं उनका किस प्रकार रहन सहन है, ताना बाना मतलब उनका रहन सहन किस प्रकार है, उनका सोच मानसिकता कैसी है, उनके सम्मुख इस समय कौन कौन सी चुनौती है, उस चुनौतियों को हम उपयोजित इतिहास से समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, सांस्कृतिक विरासत स्थानों का संरक्षण एवं संवर्धन करते समय स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत न हो, इसके लिए की जाने वाली उपाय योजनाओं का नियोजन किया जा सकता है। देखो, जब हम जंगल काटते हैं तो जो जंगल में जो जंगली रहते हैं कहीं ना कहीं हम उसे तकलीफ पहुंचाते हैं। ये तो हो गई जंगली को तकलीफ पहुंचाना। जंगल को जब काटा जाता है तो उसमें नाना प्रकार के यानी कि अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, उनसे हम बिना परमिशन लिए उनको हम ख़त्म कर देते हैं, कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुँचा दे रहे हैं। जो हमारे जंगली जंगल के प्राणी हैं उन्हें तो इंसान बहुत ही तकलीफ दे रहा है, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जानवरों के बारे में नहीं सोचता है। तो जो भी
विरासत में मिली हैं, अगर हम उसके बारे में उपाय कर रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि जो भी जंगली लोग रहते हैं, जानवर लोग रहते हैं, जो भी उस स्थान पर रहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, हमें ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट, स्थानीय लोगों को उस परियोजना में सहभागी कराया जा सकता है। अगर गांव में जाके कोई मॉल बनाया जा रहा है, एक बड़ा सा मॉल बनाया जा रहा है, मॉल क्या होता है, जिसमें खरीदी किया जाता है, अगर वहां पे मॉल बनाया जा रहा है तो अगर गांव के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा तो एक तो पहले आप मॉल बनाए तो गांव के जो छोटे मोटे दुकानदार थे उनका दुकान बंद हो जाएगा, क्योंकि मॉल जहां खुलेगा लोग स्टैंडर्ड देके वहां पे खरीदने जाएंगे, तो जो छोटे मोटे व्यापार बिजनेस वाले थे उनका तो हालत ही खराब हो जाएगा, उनका तो दुकान बंद हो जाएगा, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। तो अगर ऐसी जगह पे हम कोई कार्य करते हैं, स्थानीय लोगों की परियोजना में सहभागी कराइए, अगर मॉल खुला है तो जो भी वहाँ के निवासी हैं उनको हम नौकरी दे देंगे, वो लोग उसमें काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका भी जीवन अच्छा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, स्थानीय लोगों के पारंपरिक कौशलों को प्रोत्साहन दे सकेंगे, ऐसे उद्योग व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा, इसके लिए सुनियोजित ढंग से योजना बनाना संभव होगा। तो जो पारंपरिक कौशल है, अगर आप किसी जगह पे घूमने जाते हो तो सभी राज्य का एक अलग अलग पारंपरिक कौशल होता है, लोगों की कलाएं होती है, उसको बचा के हमें रखना चाहिए, समझ गए। अगला समझो, अगला है संबंधित व्यवसायिक क्षेत्र, हमें इतिहास में कहां से बिजनेस करने का या व्यापार करने का मौका मिल सकता है, देखते हैं। नीचे उल्लिखित क्षेत्रों में संबंधित कानूनी नियम और सार्वजनिक नीतियां निश्चित करने हैं तो इतिहास का ज्ञान उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अगर हम यहाँ पे कुछ काम करें तो जो इतिहास है, इतिहास में लोगों को क्या हो सकता है, बिजनेस व्यापार मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है। पहला क्या है, संग्रहालय और अभिलेखागार, अगर कहीं पे म्यूजियम खोल दिया जाए जिसे संग्रहालय कहते हैं, अभिलेखागार जहाँ पे पुरानी वस्तुएं इकट्ठा करके रखी जाती हैं उसे अभिलेखागार कहते हैं, तो वहाँ पे लोग कहीं ना कहीं घूमने आएंगे, पुरानी चीज़ों को देखेंगे, कहीं ना कहीं उससे कमाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपके पास ऐसे हजारों पुराने सिक्के हैं, आप क्या करोगे, एक कमरे में उसे सजा के रख दीजिए, जो भी देखने आएगा उससे आप 10-20 रुपये का टिकट लेंगे, तो उससे क्या होगा, आप इससे कमा सकते हो, भी एक व्यापार का जरिया है, बिजनेस का जरिया है। दूसरा है ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण और संवर्धन, ऐतिहासिक चीज़ें अगर हम बचा के रखेंगे तो लोग वहाँ पे घूमने फिरने आएंगे तो वहाँ पे बिजनेस व्यापार बढ़ेगा और लोगों को नौकरी मिलेगी। पर्यटन और आतिथ्य क्या होता है, हम लोग विदेश घूमने जाते हैं, विदेशी लोग भारत आते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमारे पास सांस्कृतिक या प्राचीन चीज़ें रहेगी तभी लोग घूमने आएंगे, ताजमहल लोग देखने आएंगे, गेट ऑफ इंडिया देखने आएंगे, इंडिया गेट देखने आएंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग विदेशी लोग भारत में आते हैं घूम के जाते हैं या भारत के लोग ही घूम के जाते हैं, तो ऐसे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, नौकरी मिलती है, एक अच्छा सोर्स है पैसा कमाने का। अगला है मनोरंजन और संपर्क माध्यम, लोग मनोरंजन के माध्यम और संपर्क माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। कुछ यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है ऐसा करके, मैं जिसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे इसका चित्र दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या है, किसके बारे में आपको लिखना होता है, तो ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी चैप्टर हैं आप उसको देख लेना, परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी एक दिया गया है, इसको भी पढ़ लेना आप, ठीक है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के प्रबंधन के लिए विशेष कौशल प्राप्त मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। तो देखो, इतिहास को पढ़ना और लिखना, इसके साथ इतिहास से लोग व्यापार बिजनेस भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया स्थापत्य विशारद, अभी मान लो कोई प्राचीन चीजें हैं, अगर स्थापत्य विरासत मतलब क्या होता है, कुछ लोगों के पास ऐसी कला होती है जैसे मूर्तियां बना देते हैं, गणपति आता है तो मूर्तियां बनाई जाती है गणेश भगवान की, नवरात्रि आता है तो देवी जी की मूर्तियां बनाई जाती है, तो वो कला है भारत की, समझ में आ गया, इसे कहते हैं स्थापत्य विशारद, मतलब कि जो कला, जो मूर्तियां बनाने की डिजाइन है, स्थापत्य है, ठीक है। अभियंता, इंजीनियर की जरूरत होती है, कोई भी चीजें हैं अगर उसको बनाना है तो इंजीनियर की आवश्यकता होती है, अभियंता का मतलब इंजीनियर। इतिहासकार चाहिए होता है, इतिहास पुरानी चीजें वो इतिहासकार ही बताएगा ना, ठीक है। पुरातत्व ज्ञान क्या होता है, जो भी अवशेष मिलते हैं, जो भी पुरानी चीजें मिलती हैं उसके बारे में जानकारी देने वाला चाहिए हमें। संग्रहपाल चीजें इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, किसी को सिक्के इकट्ठा करने का शौक होता है तो उसे हम संग्रहपाल कह सकते हैं, ठीक है।
समाज वैज्ञानिक चाहिए जो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको बारे में बता सके, उसके लिए वैज्ञानिक चाहिए। अभिलेखागार प्रबंधक जो अभिलेखागार है उसको संभालने के लिए व्यक्ति की जरूरत होती है। विविधतज्ञ ऐसे बहुत ज्ञानियों की जरूरत होती है। छाया चित्रण तज्ञ फोटो खींचने वाली व्यक्तियों की जरूरत होती है। यह सूची यहीं समाप्त नहीं होती और आगे है। प्राचीन स्थानों वस्तुओं और वस्तुओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सभी तज्ञों का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। विदेश से जब भी कोई व्यक्ति घूमने भारत आता है तो उसको एक व्यक्ति की जरूरत होती है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सके, ताकि इंग्लिश बोल के उसे समझा सके और यहाँ की जो चीज़ें हैं उसके बारे में वो अच्छे से समझा सके। तो एक भी एक व्यापार करने का अच्छा माध्यम है। समझ में आ गया। उपयोजित इतिहास क्षेत्र की परियोजनाओं के फलस्वरूप उपयुक्त उल्लिखित क्षेत्रों में व्यवसाय के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, लोगों का बिजनेस मिल सकता है। आगे बस यही आपको बताया गया है, बस यहीं पे आपका ये जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।